गुप्त नवरात्र में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं होता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, मनोरथ उतना ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध होगा। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुछ विशेष प्रयोग अब आपको बताते हैं। सुख करनी है देवी माँ, भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं देवी माँ, अलग अलग रूपों में भक्तों का उद्धार करती हैं देवी माँ। सनातन धर्म का सबसे पवित्र ऊर्जादायक पर्व है नवरात्रि, जहाँ जगत जननी की उपासना से साधक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि क्या है ये समझिए। गुप्त नवरात्र में पूजन की विधियां आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो तंत्र साधना की विधि है इसमें तंत्र साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। उसमें जो उनका गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करते हैं। आपको कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं बैठ करके, लेकिन किसी को बताना नहीं है क्योंकि गुप्त रखना है, मंत्र गुप्त होता है। अब गुप्त नवरात्र इसीलिए पड़ा है कि हम किस देवी की आराधना, 10 महाविद्या हैं, किस देवी की हम आराधना कर रहे हैं, उनका मंत्र क्या है। जैसे मान लीजिए कि तो आप पूरा मंत्र नहीं जप सकते हैं, ही मंत्र का जपें, क्लीन क्लीन मंत्र का अनवरत जप करते रहें, जो भी वही विधान गुप्त नवरात्र में भी किया जाता है। इसमें किसी को अपना मंत्र दूसरे को बताए। नवरात्र में माँ की पूजा की विधि यह है, उपचार के साथ माँ का पूजन तो किया जाता है, परंतु और चतुर षष्ठ योगिनी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो देखा जाए ततो माँ का विधान का स्वरूप हमारे विधि विधान के पूजा के साथ किया जाता है, जिसमें नारियल आदि का प्रयोग जिस प्रकार से दुर्गा माता के पूजन में किया जाता है, वैसे गुप्त नवरात्र में भी किया जाता है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों बेला मंत्र जाप चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना उत्तम होगा। माँ को दोनों बेला में भोग लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आक मदार दूध और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुप्त नवरात्र में इस अद्भुत पूजन के जरिए आप देवी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। देवी की कृपा से आपको मनचाहा वरदान भी मिल सकता है। गुप्त नवरात्रि में आपकी मनोकामना पूरी करने से जुड़े हैं खास प्रयोग। यदि माँ भगवती को आप कमल पुष्प अर्पण करते हैं तो सब चीज आपको सुलभ कर देती हैं। यदि आप अनार का फल देवी को 10 महाविद्याओं को नहीं कर सकते हैं, 10 विद्याओं को, तो किसी एक देवी का उनकी आराधना करके कमल का ये अनार का फल अर्पण करें। अनार का फल आपको नहीं मिल रहा है, पुष्प अर्पण करें। पुष्प नहीं मिल रहा है तो उसकी पत्तियां अर्पण करें। उससे जो है आपके मंत्र सद्या बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। रोग से मुक्ति पाने के लिए रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्या श्रयतां प्रयन्ति। इस मंत्र का जप करने से भगवती प्रसन्न होकर के आपको आरोग्यता का प्रदान देती हैं। विशेष करके इस गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करने से और सिद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर प्राप्त करना हो तो माँ जगत जननी पराम्बा जगदम्बा का पूजन करें।
चाहे विवाह में बाधा आ रही है, संतान को लेकर जीवन में समस्या है, या फिर नौकरी व्यापार से जुड़ी परेशानियां आपकी सफलता में रुकावट बनी हुई हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्योतिष द्वारा ये महा उपाय आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। गौर से समझिए। देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें, खास मंत्र का जाप करें, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। देवी को पान का पत्ता अर्पित करें, खास मंत्र का जाप करें, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। देवी को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करें, खास मंत्र का जाप करें, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यति न संशय। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल तो ममता से भरा है। देवी माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती है। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है।